माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में कर ही दिया था, लेकिन आज से हम अपना शुभारंभ कर रहे हैं। तो जितने भी हमारी फैमिली में यहाँ पर लोग शामिल हैं, वो सारे यहाँ पर आज गणमान्य के रूप में उपस्थित हैं। ये जो जेल हमने बनाई है, ये बहुत ही कम समय में, सिर्फ एक माह के समय में हमने पूर्ण करी थी। और जो भी बंदी हैं, जो हमारी वहाँ पर कैद बंदी हैं, उनके श्रम के द्वारा ये बनाई गई है। इसमें लगभग हमें 16 लाख रुपए की लागत लगी है इन पूरे क्वार्टर्स को कंप्लीट करने में। जो भी बंदी यहाँ पर सिलेक्ट होके आती हैं, उनका आचरण, उनकी भुगती हुई सजा को देख के उन्हें चुन के यहाँ पर मेरिट लिस्ट के बेसिस पे भेजा जाता है। और ये सभी बंदी जो हैं, आज से आप ये समझ सकते हैं कि समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए तैयार है। ये अपने परिवार के साथ यहाँ रहेंगे, बाहर जाएंगे, अपने लिए कमाएंगे और वापस आकर के अपना भरण पोषण स्वयं करेंगे। इस तरीके से ये हमने एक अच्छी मानसिकता के साथ आगे बढ़ने के लिए एक अवसर प्रदान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये जो जेल हमने खोली है, ये हमारे प्रदेश की तीसरी और चौथे नंबर की जेल है, क्योंकि इसके साथ में सागर का भी लोकार्पण 3 तारीख को किया गया है। तो पहली जेल जो सबसे पहले मध्य प्रदेश में खुली थी, वो होशंगाबाद की थी, जो कि 2010 में खुली थी। उसके बाद सतना, जो कि 2 महीने पहले खुली, और उसके बाद में सागर और इंदौर साथ में खुली। इसके बाद एक जबलपुर की जेल और है, जो आगामी समय में आप सुन सकते हैं कि कभी भी किसी भी समय पर कंप्लीट होने के बाद में उसका लोकार्पण किया जाएगा। अब मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी और विधायक जी से एक अनुरोध करूँगी कि सभी विजिटर एक बार विजिट कर लें हमारी जेल को।